नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस जॉम्बी और विम्पायर कहानी को पूरा कर रही हूँ। आशा है कि आप इस अंतिम भाग का आनंद लेंगे। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, आपका दिन शुभ हो। पिछले पार्ट में हमने जॉम्बी और वैम्पायर की कहानी देखी थी, जिसमें उनका जो वैम्पायर है वो छोटा हो जाता है। तो कहानी अब यहाँ से शुरू हो रही है कि दो नौ जॉम्बी एंड वैम्पायर गेम खेलने के लिए जाते हैं। हमारा जॉम्बी पूछता है वैम्पायर से कि तुम क्यों नहीं खेलोगे। तो वैम्पायर बताता है कि मुझे झूला झूलना नहीं आता है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसे कैसे यूज़ करते हैं। और फिर ये भी बताता है कि जब मैं छोटा था तो मैं इतना बिज़ी था अपने आप को खाना खिलाने में, मतलब मुझे कोई खाना खाने का कोई सोर्स नहीं था, तो मुझे अपने आप को ही खाना खिलाना पड़ता था, तो मैं बिज़ी था। तो मैंने चाइल्डहुड के जितने भी गेम्स होते थे और फ्रेंड्स होते थे, उन सब चीज़ों को मिस कर दिया। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पास खेलने के लिए टाइम तो था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैसे खेलते हैं करके। ये लोग गेम पार्क में आए हैं जहाँ पर सब लोग गेम्स खेल रहे हैं। तभी हमारा जॉम्बी बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे से लर्न करो, तुम मेरे से सीखो। तो वैम्पायर को अपनी गोदी में उठाता है और वैम्पायर बोलता है कि मैं तुमसे क्या सीखूं। तो जॉम्बी बताता है कि तुमको ये सीखना है कैसे हम झूला झूल के अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर सकते हैं। और फिर वो वैम्पायर को गोद में उठाता है और दोनों झूले पर बैठ जाते हैं। तो वैम्पायर पूछता है कि हम गिरेंगे तो नहीं। तो जॉम्बी बोलता है कि मैंने तुम्हें टाइटली पकड़ रखा है, हम नहीं गिरेंगे। और फिर वो अपने पाँव से एक पुश देता है और हमारा वैम्पायर, क्योंकि उसको डर लग रहा है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और वो कहता है कि जॉम्बी कहता है कि तुम अपनी आंखें धीरे धीरे खोलो और डरो मत, सब कुछ सही रहेगा। दोनों खुशी खुशी अपना झूला झूलने लगते हैं। वैम्पायर भी बहुत खुश होता है कि आखिरकार वो झूला झूल पा रहा है। अब वो देखते हैं कि ये जो झूला झूलने वाली फीलिंग है, ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। तो जॉम्बी बोलता है कि हम और भी ऊंचा झूल सकते हैं करके। वो एक ज़ोरदार पुश देता है झूले को और ये झूला थोड़ा और हाइट पे झूलने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी जॉम्बी बोलता है कि तुम अपने पैरों को भी क्या कहते हैं ऊपर कर सकते हो और अपने हाथों को भी छोड़ सकते हो। जैसे ही वो दोनों अपने हाथ छोड़ते हैं झूले की चेन से, वैसे ही ये दोनों उड़ जाते हैं हवा में। और तभी जॉम्बी बोलता है कि शायद झूला झूलते वक्त हाथ नहीं छोड़ सकते। अब यहीं पे जहाँ पर ये झूला झूल रहे हैं, उसके थोड़ी दूर पर उनकी जो लेडी वैम्पायर है वो बच्चों के साथ खड़ी होती है। और बच्चों से पूछते हैं कि हम ऑनियन को कैसे ग्रो करेंगे, क्या इसका फ्लावर वाकई में बाद में निकलेगा क्या। तो जो हमारी लेडी वैम्पायर है वो बोलती है कि यदि हम इसे फ्रेश वाटर देंगे और इसे सन के नीचे रखेंगे तो हमारा ऑनियन का प्लांट जो है वो ग्रो होगा और उसमें फ्लावर भी खिलेगा और कुछ भी गलत नहीं होगा। अब हमारे जॉम्बी का छोटा भाई भी एक गमले में ऑनियन का पेड़ लगा के और गार्लिक का पेड़ लगा के लेके आता है। तभी ये लोग सब हवा में देखते हैं कि कोई तो ऊपर से उड़ता हुआ नीचे आ रहा है करके। अब ये कोई और नहीं होता, हमारा वैम्पायर होता है और जॉम्बी होता है। वैम्पायर हमारा एक क्यूट सी बॉल में बदल गया है। अब क्या होता है कि जो हमारा वैम्पायर है वो बोलता है कि हमें कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी लैंड करने के लिए, और हम कहाँ पर लैंड करें करके। बच्चे भी देखते हैं कि कोई चीज़ तो हवा में है, एक बलून जैसा दिख रहा है, एक आदमी जैसा दिख रहा है। तो बच्चा बोलता है कि क्या ये एयरशिप है क्या। और दूसरा बोलता है मैं वीडियो बना रहा हूँ और फिर अपनी मम्मी को दिखाऊंगा। अब तभी जो हमारा जॉम्बी का छोटा भाई होता है वो हाथ में लहसुन की गड्डी लेकर खड़ा होता है और बोलता है कि हम इन लोगों को नीचे लेके आते हैं। तो जो वैम्पायर लेडी होती है वो ना लहसुन की गड्डी उठाती है और उनकी तरफ फेंक रही होती है। और तभी जॉम्बी का छोटा भाई बोलता है कि गुड लक, ऐसा करके शायद हम इन्हें सेव कर लेंगे करके। अब रात हो जाती है, ये लोग अपने अपने घर में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई फाइनली मैं जो हूँ अपने ओरिजिनल शेप में आ गया हूँ, बड़ा हो गया है। और वो भगवान को धन्यवाद करते हैं कि मैं काफ़ी जल्दी रिकवर हो गया हूँ।
और अभी क्या है, बहुत रात हो गई है तो हम कल अपने घर जाएंगे, तो आज रात हम यहीं रुकेंगे। जो रॉयल टॉम का एंट्रेंस है वो वैसे भी क्लोज कर दिया गया है, और टिकट बूथ जो है वो भी कल मॉर्निंग में खुलेगा करके। अब जॉम्बी का भाई जो होता है वो भी सुन रहा होता है और बोलता है कि जितनी भी बार हम बाहर जाते हैं तो क्या हमें हर बार जाके टिकट खरीदना पड़ेगा क्या? तो जॉम्बी का जो दूसरा भाई है वो बोलता है कि मैंने उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट से पहले बात की थी और उन्होंने ये कहा कि मैं चाहे डिस्प्ले आइटम क्यों ना हूँ वहाँ पर फिर भी मुझे टिकट लगेगा करके। तो वैम्पायर बोलता है कि ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी कि हम लोग सब गैदर हुए हैं, तो क्यों ना हम हॉट पॉट बनाएं और उसे खाएं करके। तभी उनके यहाँ पर बेल की आवाज़ सुनाई देती है और उनका जो चोर होता है वो आता है, लेकिन जो चोर है अब वो छोटा हो चुका है और वो बोलता है कि बॉस आपने जो सामान मंगाया था वो मैं यहाँ लेके आया हूँ। तो वैम्पायर देखता है और बोलता है कि क्या तुम भी छोटे हो गए हो क्या? तो चोर बताता है कि हाँ मैं छोटा हो गया हूँ और इससे मेरे काम पे भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन ये जो हमारे स्टूपिड डाइटिस था, मतलब जो झूठ वूठ वाला इसका साथी था जो भूत प्रेत भगाने वाली बातें करता है, वो उसका बाइसिकल लेके आया है ये। तो ये बोलता है कि मेरा जो साइकिल है लकीली ये भी छोटा हो गया, तो थोड़ा मैं काम आसानी से कर ले रहा हूँ। तो हमारा वैम्पायर बोलता है कि ये जो वायरस फैल गया है जिससे हम लोग छोटे हो जा रहे हैं, ये काफ़ी वाइड रेंज में फैल रहा है और ये बहुत ही डेंजरस है तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए इधर उधर भागना। और क्या तुम्हें डाइटिस ने कंपनी क्यों नहीं किया, तुम अकेले क्यों आए? तो चोर बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं अकेला आया हूँ, वो भी मेरे साथ आया है पर वो भी छोटा हो गया है और उसकी तो एडल्ट वाली मेमोरीज भी खो गई है, उसने अपनी मेमोरीज को लॉस कर दिया है। अब ये दोनों को दिखाते हैं, छोटा चोर और छोटा डाइटिस, अब ये दोनों छोटे हो चुके हैं। अब क्या होता है कि वैम्पायर बोलता है कि ये क्या सच में फेक डाइटिस है और ये बिल्कुल ही डिफरेंट सा लग रहा है, ये अपने एडल्ट फॉर्म में जैसा दिखता है वैसा नहीं दिख रहा है। तो चोर बोलता है हाँ ये रियली वही है और इसकी उम्र अभी 7 और 8 साल की हो गई है। और तभी वैम्पायर पूछता है कि तुम इसकी उम्र कैसे बता सकते हो? और तो चोर बताता है कि मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि हम लोग बचपन से ही साथ में रहे हैं और खेले हैं, और जब पहले के ज़माने में जब वो थे बच्चे थे तब उन्होंने ड्रैगन वाइन के पास में जो टेंपल था वहाँ से मेरे मास्टर ने हम लोगों को लाया गया था हमको उस टेंपल में, और हमने वहाँ पर एक्सप्लोर किया था उस टेंपल को। अब वो टेंपल दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं कि कैसे चोर जो है कुकी दे रहा है अपने डाइटिस को, और बोल तो डाइटिस बोलता है कि थैंक यू ब्रदर तुमने मुझे ये कुकी दी, तो और वो गप गप उस कुकी को खाने लगता है। तभी हमारा चोर सोचता है कि ये जो माउंटेन है ये बहुत ही कोल्ड है और ये जो पर्सन है ये कितना पुअर है करके। तभी हमारा डाइटिस हमारे चोर से बोलता है कि उसके पास और कुकीज़ हैं क्या? तो हमारा चोर जो है आके फटी फटी करके देखता है और बोलता है कि तुम ये सारे ले लो वैसे भी मुझे नहीं चाहिए, ऐसा करके वो कुकीज़ की पोटली डाइटिस को दे देता है। और चोर अपने मन में सोचता है कि मेरा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़क रहा है करके। और तभी दिखाते हैं कि कोई बोल रहा है कि चलो जाते हैं और हम किसी टॉम की रेड करते हैं, और तभी कोई आके बोलता है मास्टर मैं मुझे लगता है, हमारा जो चोर है वो बोलता है मुझे लगता है कि मुझे प्यार हो गया है। और तभी कोई सोचता है कि ये बच्चा क्या ही कह रहा है और वो बोलता है ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो रेडी हो जाओ हमें जाना है।
तो हमारा जो चोर है उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे होते हैं। वो बोलता है ठीक है मास्टर, और हम चलते हैं, मैं आपको समझ सकता हूँ, मैं पहले जाके सुसु कर लेता हूँ, फिर हम लोग साथ साथ चलेंगे करके। तो दिखाते हैं कि जो इनका डाइटिस्ट है वो भी बाथरूम में खड़ा है, और हमारा चोर बोलता है कि हम लोग एक बार फिर से मिल गए हैं, और हमारा डाइटिस्ट भी बोलता है कि हाँ हम लोग एक बार फिर मिल गए हैं। अब जो चोर है उसे एहसास होता है कि ये जो है जिसे वो लड़की समझ रहा था वो लड़की नहीं, एक्चुअली वो आदमी है। तो चोर पूछता है तो तुमने जिस टेंपल के बारे में बात की थी क्या वो फेक था? एक ओल्ड डाइटिस जो कि एक फेक नन बन के घूम रहा है और जो उन लोगों से फेक सिंपैथी ले रहा है और उनसे डोनेशन भी ले रहा है। और तभी चोर बोलता है इस तरह मेरा पहला प्यार जो था रुइन हो गया था। वो अपना फ्लैशबैक सब कुछ वैम्पायर को बताता है, और तभी वैम्पायर उसके सिर पे हाथ रखता है और बोलता है कि लेकिन ये जो है बहुत ही अच्छा है और ये बहुत वेल बिहेव कर रहा है, और हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये जब बड़ा होगा तो कितना अनोइंग होगा करके। और तभी क्या कहते हैं हमारा डाइटिस जो है वो देखता है और बोलता है कि बिग ब्रदर आपका जो फ्लावर है वो थोड़ा नीचे खिसक गया है। अब हमारे वैम्पायर को मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि एक सींग उगा हुआ था सिर पे जो टूट गया था, तो हमारे जॉम्बी ने उसको फूल लगा दिया था, ये वही फूल है जो खिसक गया है। तो वैम्पायर बोलता है कि तुम कितने तेज़ नज़र वाले हो, और अपन बोलता है कि हमेशा तो तुम कुछ नया पिक करते हो पहनने के लिए, और लेकिन कुछ पास्ट के कपल ऑफ डेज में और तुम छोटे से बन गए हो तो तुमने कुछ भी पिक नहीं किया है। तो डाइटिस बोलता है कि रुको, और फिर वो फूल को अपने हाथ से थोड़ा सा हटाता है उसके सिर पे से, और ये बोलता है कि ये जो है ये कपड़े से बना हुआ फ्लावर है और ये फ्लावर मैंने बनाया था, और क्या कहते हैं यदि तुम कुछ भी करोगे तो ये फ्लावर जो है यदि तुम दोबारा लगाओगे तो ये बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं अपनी जगह से। तो वैम्पायर उसको थैंक यू बोलता है। अब हमारा डाइटिस जो होता है वो उसको बोलता है बिग ब्रदर बिग सिस्टर आप ना इस टाइप के जितने भी फ्लावर्स हैं मेरे पास उसमें से एक एक ले सकते हो, और मुझे उम्मीद है और कि ये जब फूल आप लगाओगे तो आप बहुत ही प्रिटी दिखोगे करके। तभी दिखाते हैं कि वैम्पायर की बहन और जॉम्बी और जॉम्बी का भाई, सब लोग ये सुन के एकदम से इमोशनल हो जाते हैं और उनके आंसू भी निकल जाते हैं, और इन चारों ने एक एक फ्लावर अपने बालों में लगा लिया होता है। तभी डाइटिस बोलता है कि अरे इतना ही नहीं मेरे पास और भी है। तो सब लोग फिर पूछते हैं कि अब और क्या क्या है। तो डाइटिस बोलता है कि एक फ्लावर 5 रुपये का है और 8 रुपये का भी एक फ्लावर है, और 10 रुपये में 3 फ्लावर मिलेंगे, और चाहे तो आप मुझे कैश में पे कर सकते हैं या ऐप के द्वारा भी पे कर सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे कलर्स भी हैं फ्लावर के, आपको कोई पसंद हो तो आप उसे चूज़ भी कर सकते हो। मतलब अभी तक ये जिसे क्यूट बच्चा समझ रहे थे, एक्चुअली वो बच्चा क्यूट तो है लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल क्यूट नहीं हैं। तो चारों के चारों उसको देखने लगते हैं और वो सोचते हैं कि ये कैसा अजीब सा हो रहा है, और तभी वो अपने मन में सोचते हैं कि इसके तो हड्डियों में भी सामान बेचने की जो प्रक्रिया है वो एकदम इंग्रेव हो रखी है करके। अब सीन दिखाते हैं एक कैट का जो बिस्तर पे सो रही होती है, और ये कैट हमारे वैम्पायर के डैडी हैं। तो जो वैम्पायर के डैड हैं वो पिलो पे सो रहे हैं, और वैम्पायर बोलता है कि भाई पापा आप जल्दी से अच्छे हो जाइए, और उसके बाद जॉम्बी जो है वो उन्हें घूरता है और बोलता है कि तुम्हारे जो डैड हैं उनको कुछ खाने की भूख भूख नहीं लगी है, और कल रात से वो ऐसे बीमार से पड़े हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि कुछ सिंपल सी बात नहीं है। और तभी हमारी वैम्पायर लेडी का बेटा आता है, बोलता है तुम ग्रैंडफादर को किसी वेट के पास क्यों नहीं भेज देते।
तो वैम्पायर बोलता है कि डैड जो है वो वैम्पायर कैट है, तो हमें एक वेट ही नहीं ढूंढना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमें एक ऐसा वेट ढूंढना पड़ेगा जो वैम्पायर्स को अंडरस्टैंड भी करता हो, जिससे मतलब वैम्पायर्स के बारे में कुछ पता हो। तभी लेडी वैम्पायर का लड़का बोलता है कि उन लोगों को कुछ एक्सपीरियंस तो हो गई और कैसे डायग्नोसिस करना है इन लोगों को और इनको क्या हुआ है करेंटली, ये हमें उन्हीं से पता चलेगा। तो जॉम्बी बोलता है कि जो पैलेस के हमारे रॉयल डॉक्टर हैं उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। तो हमारा जॉम्बी का जो छोटा भाई है वो बोलता है कि लेकिन वो तो बहुत पहले ही मर चुका है और उसको दफना भी दिया गया है और हम उसको यहाँ पर ऐसे इतनी जल्दी भुला थोड़ी ना सकते हैं। तो वैम्पायर लेडी बोलती है कि मैं एक आदमी को जानती हूँ, लेकिन वो जो है उसका नाम नेमनीज है करके। तो वैम्पायर बोलता है कि बिग सिस्टर तुम कभी भी रेवेंज ले सकती हो, 10 सालों में तुम कभी भी रेवेंज ले सकती हो, लेकिन डैड का जो इलनेस है वो ज़्यादा दिन वेट नहीं कर पाएगा, मतलब उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है तो अब हमें और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और तभी वैम्पायर लेडी बोलती है ठीक है तुम सही कह रहे हो, तो एक काम करो डैड को लेके आओ मेरे पीछे पीछे और मुझे फॉलो करो। अब ये लोग जाते हैं, एक घर दिखाते हैं और ये लेडी बोलती है कि हम लोग पहुँच गए हैं। रूम का दरवाज़ा बहुत बड़ा होता है और तभी वो बताती है कि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं विज़िट करने के लिए, लेकिन जो ओनर है वो कभी भी बाहर निकल के नहीं आता है करके। और वो बताती है कि जो वैम्पायर होते हैं और वेयरवुल्व्स होते हैं वो मॉर्टली एनिमीज़ होते हैं, तो वो हमारे फादर को ग्रैंडफादर को क्यों हेल्प करेंगे करके। तभी दिखाते हैं एक और एक लड़की आती है, ये लोग वुल्फ हैं और इस लड़की के कान भी हैं, इसने ऑरेंज रंग का ड्रेस भी पहना हुआ है। और वो बोलती है कि तुम लोग तो वैम्पायर हो तो तुम लोग यहाँ कैसे अपनी मर्जी से आए हो करके, और बोलती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तुम लोगों की गुड केयर करूँ करके। अब गुड केयर से मतलब यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं है, मतलब ये अपने मन में कोई तो प्लान बना रही है। और तभी हमारा लेडी वैम्पायर का लड़का बोलता है कि ये जो वेयरवुल्फ है लड़की वाली, ये हमारे वेयरवुल्फ ट्राइब की हेड है करके, और इसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल हमारी मदर की जैसी है, जैसे हमारी मदर का पोजीशन है वैसे ही इसका पोजीशन है। तो हमारी लेडी वुल्फ बोलती है कि बहुत लंबा समय बीत गया है, 100 साल निकल गए हैं, मैंने अभी तक किसी से फाइट नहीं की है और जो मेरे हाथ हैं उनमें खुजली हो रही है, तो अच्छा हुआ ये लोग आ गए हैं तो अब मैं इन्हीं के साथ फ़ाइट कर लूँगी करके। तो वैम्पायर लेडी बोलती है कि हम अगली बार फाइट करेंगे, पर इस बार तो मैं तुमसे एक हेल्प मांगने के लिए आई हूँ। तो हमारी वुल्फ लेडी बोलती है कि मैं जो हूँ बहुत खुश हूँ तुमको ऐसे डाउन पोजीशन में देख के कि तुम्हारा इलनेस के लिए तुम मतलब यहाँ पर आए हो। तो वैम्पायर लेडी बोलती है कि तुम गलत सोच रही हो, मैं नहीं बीमार हूँ करके। और तभी वुल्फ लेडी देखती है और बोलती है अच्छा तो ये लिटिल वाइट कैट है। तो वैम्पायर लेडी को समझ में नहीं आता और वो थोड़ा सा सोच में डूब जाती कि क्या हो रहा है। तो वुल्फ लेडी बोलती है कि सिंस ये कैट है तो मैं इसे एग्जामिन नहीं कर सकती, लेकिन मेरा जो कंसल्टेशन फीस है वो भी हायर है नॉर्मल लोगों की अपेक्षा, और तुम मेरे को एक कोई भी चीज़ ओन करते हो, मतलब वक्त पड़ेगा तो ये वो कोई एक चीज़ मांग सकती है। तो वैम्पायर लेडी बोलती है डील, उनके बीच में डील हो जाती है। अब क्या होता है, एक और एक लड़का आता है और ये लड़का अच्छा येलो जैकेट वगैरह पहन के आता है, ये भी वुल्फी है, और बोलता है कि ठीक है तुम पेशेंट को कंसल्टेशन रूम में लेके आओ। और ये लोग बोलते हैं ठीक है हम आ रहे हैं। और तभी ये लड़का देखता है और वो लोग भी इसे देखते हैं, तभी वैम्पायर और वैम्पायर लेडी बोलती है कि तुम तो वही हो। तभी इसकी जो हमारी लेडी वुल्फ है वो बोलती है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, तो वो ये भी सोचती है कि ये दो जॉम्बी ब्रदर्स हैं और वैम्पायर सिस्टर हैं, और मैंने जो है ना बहुत सारा सफरिंग किया था ब्लाइंडनेस से और अब मैं इनको पहचान नहीं पा रहा हूँ करके।
तभी वेम्पायर बोलता है कि वो तुम ऐसा कहना चाहते हो कि ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर, ये थोड़ा सा गुस्से में जवाब देता है। तो हमारे जो हीरो वुल्फ है उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो जाती है। तो उसे याद आता है कि ये वही लोग नहीं है जो एंजेलिक गेस्ट रूम बन के आए थे हॉट स्प्रिंग पैलेस में, जहाँ उसने ये लेडी वेम्पायर के लड़के को मसाज वगैरह दिया था और उसने इसे कहा भी था कि तुम एंजल हो करके। तभी हमारा वुल्फ लड़का जाता है लेडी वेम्पायर के लड़के के पास और बोलता है कि तुम एंजल हो और तुम जो हो सिर्फ हेवन से ही बिलोंग करते हो, और बोलता है लेकिन तुम सच में मेरे घर आए हो करके। तो वेम्पायर लेडी का जो लड़का है वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ये वुल्फ ने वेम्पायर लेडी के लड़के का हाथ पकड़ा होता है करके। अब क्या होता है कि जॉम्बी और जॉम्बी का भाई अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये किस तरह के ब्लाइंडनेस के बारे में बात कर रहे हैं करके। अब हमारी जो वेयरवुल्फ है लेडी वेयरवुल्फ, वो बोलती है कि चूंकि तुम लोग हमारे कस्टमर हो तो तुम लोग अंदर आओ करके। और फिर अपने मन में सोचती है कि योर मैजेस्टी एंड योर हाइनेस, मतलब वो ये दोनों ज़ॉम्बीज़ को जान जाती है, पहचान जाती है। और तभी दोनों बोलते हैं कि हॉन्ग। तो वेयरवुल्फ बोलती है लेडी वेयरवुल्फ, हाँ मैं ही हूँ, कि कितना लंबा समय बीत गया हमने एक दूसरे को नहीं देखा है करके। तभी वेम्पायर पूछता है जॉम्बी से, क्या ये भी तुम्हारी मेट थी क्या? तो जॉम्बी बताता है कि ये जो थी वो मेरे डैड के पैलेस में थी और मैं इसे पहचान नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत समय से इससे मिला नहीं हूँ करके। और तभी लेडी वुल्फ आती है और दोनों जॉम्बीज़ के कंधों पर हाथ रखती है और बड़ी खुश होती है और बोलती है कि तुम दोनों काफ़ी लंबे समय तक जिए हो, तो अब तुम दोनों कब मरोगे करके वो ऐसा पूछती है। तभी वेम्पायर बोलता है कि वेम्पायर जॉम्बी के भाई से बोलता है कि ब्रदर आपकी जो मेड्स हैं वो काफ़ी हनी टंग्ड है, यानी कि बहुत मधुर बोलने वाली हैं करके। तो हमारा जो जॉम्बी का भाई है वो बोलता है कि हाँ हम लोग काफ़ी अच्छे दिन एक साथ गुजारे हैं करके। और तभी दिखाते हैं कि जो वुल्फ लड़का है जो हमारे लेडी जॉम्बी के सॉरी लेडी वेम्पायर के लड़के को पसंद करता है, वो बोलता है कि जो मेरी आंटी हैं वो बहुत ही जानी पहचानी वेट हैं और उन्होंने कई वेम्पायर्स ऐसे थे जो प्रिटेंड करते थे बैट होने का, उनको बहुत बार हेल्प किया है करके। वो लोग दरवाज़ा ओपन करते हैं और ओपन करके अंदर जाने की तैयारी करते हैं। तो हमारी लेडी वुल्फ बोलती है कि जो किटन्स हैं यानी बिल्ली के बच्चे जो हैं उनको कुछ तो बीमारी हो गई और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, और तुम लोग इन्फ्यूजन की तैयारी करो और एक केज की भी तैयारी करो और उसको एक पेशेंट के डिपार्टमेंट में भेजने की तैयारी करो। तो वेम्पायर बोलता है केज, और हमको केज नहीं चाहिए, हमें एक ड्यूलेक्स किंग रूम चाहिए करके। तो जो हमारी लेडी वुल्फ बोलती है कि एक बिल्ली को इतने बड़े रूम की क्या ही ज़रूरत है। तभी जॉम्बी का भाई बोलता है कि साथ में 3 बॉक्स कैनाइन फूड जो कैट्स को दिया जाता है और उनके लिटर्स को दिया जाता है वो भी तुम तैयार करो करके। तो लेडी वुल्फ बोलती है ठीक है, मेरे पास और भी पेशेंट्स हैं और तुम अपने भाई को कहो कि सारी रूम जो चीज़ें हैं वो वेयर हाउस से वो फेच कर ले, यानी ले आए करके। तो वेम्पायर पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है कि वो कहाँ गया उन बिल्ली के साथ। तभी वेम्पायर बिल्ली को बिस्तर पर बिठाता है, मतलब अपने डैड को बिस्तर पर बिठाता है और बोलता है कि क्या ये ठीक हो जाएंगे, मैं अपने डैडी को लूज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो जॉम्बी बोलता है जो हमारे पिता हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं और वो ये टाइम से ये दौर से गुजर जाएंगे करके। तो जो इनका डैड है वो म्याऊ करके आवाज़ निकालता है और ये लोग देखते हैं कि वो जो है जाग गया है, और वो बोलते हैं वेम्पायर बोलते हैं कि डैडी आप जाग गए। अब यहाँ पर क्या होता है, ये चोर और फेक डाइटिस्ट जो है वो भी आए होते हैं जो लेडी वुल्फ से बात कर रहे होते हैं, और वो पूछते हैं
कि डॉक्टर जो मेरी क्रॉप्स है बीटल के अंदर, वो ना बहुत समय से खांस रही है। और तो लेडी बुल बोलती है कि क्या है ये जो है तुम्हारी बीटल, वो जो है अभी यूज टू नहीं हुई है इस एनवायरनमेंट के, और तुम जो थोड़ा स्लो स्लो सिमेट्री की तरफ जाना करके। तो डाइटिस जो होता है वो बोलता है कि ये जो मेरा पॉट है इसको भी तुम चेक करो, और इसके अंदर बहुत सारे पॉइजनस वर्म्स भी हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है करके। तो जो हमारी लेडी बोल्फ है वो बताती है कि अभी ये जो सीज़न चल रहा है ये ब्रीडिंग का सीज़न चल रहा है, तो तुम अपने जो पेट्स हैं उनको तुम फ्रेश ब्लड दो। तो जो चोर है वो सोचता है कि उसको जॉम्बी को कॉल करना चाहिए करके, और उनसे पूछना चाहिए कि मेरे जो फॉस्टर क्रॉप्स हैं बीटल के वो कहाँ हैं करके। और तभी डाइटिस बोलता है कि तुम भूल जाओ कि कोई तुम्हें फ्री में ब्लड देगा, और जो मेरा पेट है वो मिस्टर वैम्पायर के द्वारा ही आया है। और तभी ये दोनों देखते हैं, इनके फ़ोन में एक मैसेज आया होता है और उसमें लिखा होता है कि ब्लैकलिस्ट कर दो ये दो डीमंस को करके। अब एक बड़ा सा बिस्तर दिखाते हैं जिसमें इनकी जो कैट है यानी इनके जो डैड है वो लेटे होते हैं, और ये दोनों बोलते हैं कि डैडी आप जो ना वो यहाँ पर ही रहो, और यहाँ रह के आप अपनी सेहत को जो है ठीक करो, मतलब आराम करो और अपने आप को ठीक करो करके। तभी लेडी वुल्फ आती है और बोलती है तुम लोग थोड़ा सा हटो, मुझे इनका टेम्परेचर लेना है। और अब इसके साथ एक वुल्फ भी आ रहा होता है, और वो बोलते हैं कि ये वुल्फ नहीं है ये तो अभी पपी है करके। लेकिन ये वुल्फ जो होता है ये काय का पपी होता है, ये तो बहुत एंग्री दिख रहा है इसमें। और तभी वैम्पायर बोलता है कि ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें देख के कि ये जो वुल्फ है बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल है हमारे फादर की तरफ। तभी वुल्फ जो है वो वुफ वुफ करता है, और वैम्पायर देखती है कि वुल्फ अपना मुँह खोल रहा है, तो वैम्पायर जो है वो बोलता है कि ज़रा देखो कहीं के खा ना ले उसे। लेकिन वुल्फ आता है और आके किटी को लिक करने लगता है, और अब क्या देखते हैं कि अब वो एक बड़े से बिस्तर में एक छोटी किटी और एक बड़ा वुल्फ दोनों मिलके सो रहे होते हैं। अब ये जॉम्बी और वैम्पायर दोनों अपने हाथ बिस्तर पे रखते हैं और आधे ये भी लेटे होते हैं, और तभी वैम्पायर वो वुल्फ के सिर पर हाथ रखता है और बोलता है अरे कितना अच्छा डॉग है, कौन सी ब्रीड का है। तभी वुल्फ लेडी बोलती है कि ये डॉग नहीं है ये तो मेरे डैड है। तो वैम्पायर बोलता है कि सॉरी, और तुम्हारे डैड किस ब्रीड के हैं करके। तो इसका जो है कोई जवाब नहीं मिलता, और जो लेडी वुल्फ है वो पीछे मुड़ के जाने लगती है। तो वैम्पायर अपने मन में सोचता है कि भाई ये बिना जवाब दिए क्यों जा रही है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं लेडी वैम्पायर के लड़के को जो अभी अभी आया है, और यहाँ सब लोग बात कर रहे होते। तो हमारा वैम्पायर बोलता है कि ब्रदर एंड सिस्टर आपको बिल पेमेंट करना पड़ेगा, और हम लोग जो हैं वो नर्सिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी ये लोग जो हैं वो मेडिकल एक्सपेंसेस का बिल भरेंगे और देख रेख के ज़िम्मेदार ये लोग होंगे। और तभी जॉम्बी का भाई बोलता है कि ये लोग जो हैं वो हमारे पेरेंट्स की तरह हैं, और हमारे पेरेंट्स भी हियर हैं, और हम वैसे भी बच्चे क्या कर सकते हैं करके। तो लेडी बुल पाती है और बोलती है कि सब लोग चुप हो जाओ, तुम लोग बिल्ली को अटेंड नहीं कर सकते। तो उनमें से एक आदमी पूछता है भाई हम क्यों नहीं अपने डैड को अटेंड कर सकते। तो लेडी बुल बताती है कि इनको एक क्वाइट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, मतलब शांत वातावरण चाहिए होता है ठीक होने के लिए, और यदि वो तुम लोगों को देखेंगे फैमिलियर लोगों को देखेंगे तो वो हमेशा एक्साइटेड होते रहेंगे, तो तुम लोग बेटर होगा कि किसी और को ढूंढो जो उनके क्लोज ना हो, जैसे कि ग्रेट ग्रैंडसन या कोई दूर का रिश्तेदार करके। तो सब लोग मुड़ के ये लेडी वैम्पायर के लड़के की तरफ देखने लगते, और लेडी वैम्पायर का लड़का सोचता है कि अब ये लोग क्या ही ऑर्डर देंगे हम कुछ को करके, लेकिन फिर भी वो तैयार हो जाता है
और अपने मन में सोचता है कि ठीक है, यदि इस सब चीज़ों से मेरे एंसेस्टर्स को हैप्पीनेस मिलती है तो ठीक है, ऐसा मैं कर लेता हूँ और मुझे ऐसा करने से कोई ना कोई हक तो देगा ही। अब ये बैठे बैठे इन दोनों को देख रहा होता है, वुल्फ और कैट को, जो एक साथ सो रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। अब जब नॉक होता है तो दरवाजे में से ये निकलता है, क्या कहते हैं, हमारा वुल्फ आता है और देखता है और बोलता है कि सर क्या आप एक मिनट निकाल सकते हैं, इधर आएंगे एक मिनट के लिए। तो ये लड़का उठता है और बोलता है कि तुम अंदर आ जाओ। पर एक सोफे पे वुल्फ बैठा है और उसी सोफे पे लेडी वैम्पायर का लड़का बैठा है। तो हमारा वुल्फ बोलता है कि उस रात के लिए मुझे बताओ कि तुम उस रात मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे। तभी लेडी वैम्पायर का लड़का बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें अपने घर से निकाल दें? यदि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगे तो ऑब्वियसली तुम्हें वो घर से निकाल देंगे, क्योंकि तुम वेयरवुल्फ हो और हम वैम्पायर है करके। और जो वेयरवुल्फ्स होते हैं वो सोशल एनिमल्स होते हैं और लोन वुल्फ्स होते हैं फ्यूचर में। तो हमारा जो वुल्फ है वो बोलता है, यस यू आर राइट सर, तुम सही कह रहे हो। तो वैम्पायर लेडी का जो बेटा है वो अपने मन में सोचने लगता है कि तुम मेरे को बहुत ही बोर कर रहे हो, इतनी बोरियत से तो मैं मर ही जाऊंगा। और तभी वो उठ के जाने लगता है। तो वुल्फ पूछता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो वैम्पायर लेडी का लड़का बोलता है कि मुझे थोड़ा फ्रेश एयर चाहिए। ऐसा करके वो खिड़की के पर्दे वर्दे खोलता है। और तभी जो वुल्फ है वो बोलता है, प्लीज़ सर आप जो कर्टन्स है उसे बंद कर दो। तो वैम्पायर बोलता है, क्यों बंद कर दो? अब यहाँ देखते हैं कि वुल्फ जो है उसको बड़ा ही कुछ दर्द वर्द जैसा कुछ हो रहा है और उसके पसीने भी छूट रहे हैं। और वो बोलता है कि आज जो है फुल मून नाइट है करके। अब ये सुन के वैम्पायर लेडी का जो बेटा है वो थोड़ा सा लॉस सा हो जाता है, उसे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि क्या ही हो रहा है। अब हमारे जो वुल्फ लड़का होता है उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है, उसके दांत वांत दिखा रहे होते हैं और अब वो फुल मून का असर उसके ऊपर हो रहा होता है। तभी वैम्पायर लेडी का जो लड़का है वो पूछता है, बोलता है कि लड़के मैं जो हूँ वो डिसेंडेंट हूँ एक ग्रेट लेडी टेल्स का, मतलब जो हमारी वैम्पायर लेडी टेल है उनका ये बेटा है करके। और ये एक बहुत ही ऑनरेबल होगा कि मेरी फाइट चीफ ज़ीरोज़ के साथ होगी करके। और तभी वो बोलता है कि भैया यहाँ से चले जाओ, इससे पहले देर हो जाए करके। और जो ये पावर है ये बहुत ही अजीब पावर है और इसको जो है मुझे स्ट्रेन करके रखना पड़ेगा करके। अब वैम्पायर और वुल्फ दोनों ही अपनी चरम सीमा पे होते हैं और बोलते हैं कि ये पावर जो है आ रहा है करके। अब वैम्पायर देखता है और क्या देखता है कि जो हमारा वुल्फ था ह्यूमन फॉर्म में वो वापस वुल्फ फॉर्म में बदल गया है और उसके बालों के ऊपर अपना पाव रखा गया है। अब हमारा जो वुल्फ बॉय होता है वो सडनली एक छोटा सा वुल्फ बन गया है, पपी जैसा, और हमारे लेडी वैम्पायर के लड़के के ऊपर चढ़ के बैठ गया है और एकदम क्यूट सा एक्ट कर रहा होता है जैसे कि उसको लिक करना है। और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे लेडी वैम्पायर के लड़के को रोना आ जाता है, वो वुल्फ को अपनी गोदी में ले लेता है और हग करता है और बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भावुक फील हो रहा है करके, घू घू करके रोने लगता है। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो हमारी वुल्फ लेडी है, जो हेड है इनके वुल्फ क्लैन की, वो बोलती है कि हम जो वेयरवुल्फ होते हैं इनका जो ग्रोथ होता है ये बहुत ही लॉन्ग फेज में होता है करके। अभी ये जो था ह्यूमन शेप में था और एकदम यंग मैन की तरह दिख रहा था, बट एक्चुअली में ये एक छोटा सा पपी है और बहुत वीक है और ऊपर से आज मूनलाइट भी है करके, और मैं इसका जो बिस्तर है यहीं छोड़ जा रही हूँ, तो तुम जो है इसका एक और एक एनिमल की टेक केयर कर लेना। मतलब ये आदमी पहले ही अपने दादाजी
की केयर कर रहा था जो कि एक बिल्ली है। अब ये वुल्फ बॉय एक छोटा सा पपी वुल्फ बन गया, अब इसकी भी केयर करनी है इसे। तभी वैम्पायर लेडी का बेटा पूछता है क्या इसे मैं डॉग फूड खिलाऊं क्या, और तभी वुल्फ वुफ वुफ करता है और बोलता है कि नहीं मुझे तो फ्रेश मीट चाहिए और या फिर कुछ और चाहिए करके। और तभी लेडी वुल्फ बोलती है कि नहीं इसे हम ये सब नहीं खिला सकते हैं अभी करके। अब क्या होता है, इतने बड़े कमरे में एक दूध का बॉटल अपने हाथ में लिए वैम्पायर लेडी कलर का, ये छोटे वुल्फ को जो अभी वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया है उसको बॉटल से मिल्क पिला रहा होता है, और ये जो छोटा वुल्फ है वो भी बॉटल से मिल्क पी रहा होता है। तो लेडी वैम्पायर का जो बेटा है वो बोलता है अरे तुम कितने छोटे हो, अभी भी तुम बच्चे की तरह ही हो करके। और वो बोलता है कि ओके अब सब हो चुका है, अब टाइम टू स्लीप, अब तुम्हें सोना पड़ेगा। ऐसा कह के वो पपी को अपने हाथ में उठाता है और उसको उसके बिस्तर पे रखता है। अब जैसे ही वो उसको बिस्तर पे रखता है हमारा वुल्फ जो छोटा वुल्फ है वो इधर उधर देखने लगता है। तो वैम्पायर लेडी का लड़का पूछते हैं कि तुम क्या देख रहे हो और क्या तुम्हें टॉय चाहिए, पर तुम्हारी आंटी ने तो मुझे कोई टॉय दिया नहीं है। अब छोटे से वुल्फ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बेचारा बहुत क्यूट सा दिख रहा होता है। तो वैम्पायर लेडी का बेटा बोलता है कि ठीक है तुम रो मत, मेरे पास एक आइडिया है करके। और ऐसा सोच के वो क्या करता है, कुर्सी पे एक बिस्तर जो उसका होता है उसको कुर्सी पे रखता है, उस पर वुल्फ को रखता है और उसको साथ में अपने आप को वो बैट के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर लेता है और फिर वो दोनों उस कुर्सी पे सो जाते हैं। अब जो बैट है हमारा मतलब लेडी वैम्पायर का लड़का जो बैट में ट्रांसफॉर्म हो गया वो बोलता है कि अब उसे समझ में आया, और वो बोलता है मन में कि तुम्हारे जो डॉग हेयर्स हैं ये पक्का सवेरे मेरे ऊपर लग जाएंगे, तो तुम्हें ये डॉग हेयर्स को सवेरे उठते से ही मेरे पे से साफ़ करना होगा। तो जो हमारा बड़ा वुल्फ अब जो छोटे वुल्फ में बदल गया है वो हाँ बोलता है, और ये हाँ वो उसको वुफ के साउंड में बोलता है। अब दिखाते हैं कि बिस्तर पे किटी डैडी एंड वुल्फ डैडी दोनों साथ में सो रहे होते हैं। अब किटी की आंखें खुलती है और उसकी पहली नज़र जाती है कि एक वुल्फ पपी और एक बैट कुर्सी पे सो रहे हैं। तो किटी बिस्तर से नीचे उतरती है, मतलब दादाजी बिस्तर से नीचे उतरते हैं और किसी तरह शेल्फ में रखे हुए पैकेट की तरफ अपना हाथ बढ़ा के पहुँचने की कोशिश करते हैं और म्याऊँ म्याऊँ भी करते हैं। लेकिन किसके लिए वो म्याऊँ म्याऊँ कर रहे हैं, जो लोग उसकी देख रेख करने के लिए आज रात यहाँ रुके थे वो दोनों तो सो रहे हैं, हमारा ये पपी वुल्फ और हमारा बैट दोनों एक छोटे से बिस्तर में सो रहे हैं, और जो हमारे दादाजी हैं वो सिर्फ म्याऊँ म्याऊँ करते रह जाते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं, और उनको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है और वो टर्न हो जाते हैं एक ह्यूमन फॉर्म में, और जाके वो क्या कहते हैं वो जो बैग है पैकेट है उसको लेते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि मेरा जो ग्रैंडसन है कितना यूज़लेस है, ये मुझे रात में देखने के लिए आया था मेरी सेवा करने के लिए, और जैसे ही मैं सो गया अब इसको देखो ये खुद सो रहा है। ऐसा सोचते हुए वो चिप्स के पैकेट में से कुछ एक दो चिप्स खाने लगते हैं और उनकी एक टांग हमारे वुल्फ डैडी के ऊपर रखी होती है। हमारे जो दादाजी हैं जो अभी बिल्ली से ट्रांसफॉर्म हुए हैं इतने अच्छे लुक में, वो सोचते हैं कि भाई मैं तो बहुत ही ज़्यादा हंगरी हूँ और मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है, और अपने मन में सोचते हैं कि ठीक है मैं अपने स्टूपिड सन को मेरे लिए कुछ स्नैक्स लाने के लिए और बाहर भेजूँगा और उसे मैं ब्रांड्स का नाम भी बता दूँगा। अब इतने में क्या होता है कि जो किटी है वो तो ट्रांसफॉर्म हो गई है अपने ह्यूमन फॉर्म में, तब दादाजी अब वैम्पायर किटी हैं और ह्यूमन फॉर्म में है, लेकिन जो वुल्फ है अब वुल्फ डैडी जो है वो अभी भी वुल्फ फॉर्म में है, वो भी चिप्स मांगते हैं। तो जो हमारे दादाजी हैं वो बोलते हैं कि भाई तुम अपने हाथ पैर दूर रखो और मैं तुमको अपना खाना नहीं दूंगा, और फिर थोड़ा सा सोचने के बाद बोलते ठीक है देता हूँ लेकिन सिर्फ एक ही दूंगा, तुम्हें सिर्फ एक ही मिलेगा।
अब इतने में क्या होता है कि जो वुल्फ डैडी हैं, वुल्फ फॉर्म से वो भी ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं और दादाजी का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मुझे दो तुम, और उससे जो है चिप्स का पैकेट ले लेते हैं। अब दोनों में यानि वुल्फ डैडी और कैट डैडी के बीच में ये चिप्स को लेके लड़ाई चल रही थी, तुम मुझे दो करके। और तभी हमारा जो वैम्पायर डैडी है किटी डैडी, वो बोलता है कि तुम कैसे ये ले सकते हो, ये जो था ये मेरी डॉटर का ऑफरिंग था। तो वुल्फ डैडी बोलते हैं कि तुम्हें जो है इस तरह की बीमारी है और तुम्हें फास्ट रखने की ज़रूरत है, और तुम ना ये सब करके मेरी डॉटर ने जो तुम्हारे को ट्रीटमेंट प्लान किया है उसको रुइन मत करो। ऐसा कह के वो उसके हाथ से चिप्स का पैकेट छीन ही लेते हैं। और तभी हमारे दादाजी बोलते हैं कि भाई तुम एक वीक पेशेंट को कैसे बुली कर सकते हो। और तभी वो डैडी जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम कहाँ से वीक हो, तुम कहीं से भी वीक वीक नहीं हो करके, अब सो जाओ तुम। तो वुल्फ डैडी क्या करते हैं, कैट डैडी को बिस्तर में लिटाते हैं और उसको ओढ़ना ओढ़ाते हैं। और जो हमारे दादाजी हैं उनका नाटक छूटते हैं कि उन्हें तो भूख लग रही है करके, और मुझे कुछ तो दो खाने के लिए या कुछ तो करो जिससे मेरा ध्यान जो है वो भटके करके। और तभी वो बोलता है कि भाई बहुत ठंड भी है आज। अब क्या होता है कि वुल्फ डैडी और कैट डैडी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वुल्फ डैडी वापस से बिस्तर की चादर को उठाते हैं और वो भी बिस्तर की चादर के अंदर घुस जाते हैं और बोलते हैं अब क्या तुम सो सकते हो क्या। और तभी कैट डैडी बोलते हैं कि हाँ अब मैं वार्म हो गया हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे को वार्म करने की ज़रूरत नहीं है करके, और फिर उससे चिपक के ये दोनों बिस्तर में सो रहे होते हैं। तभी कैट डैडी बोलते हैं कि इतने सारे गेस्ट को यहाँ पर रखना तुम्हारा तो ऐसा स्टाइल नहीं है करके। और तभी वुल्फ डैडी बोलते हैं कि ये सब तुम्हारे बच्चे हैं तो मुझे इनके साथ थोड़ा फ्रेंडली होने की ज़रूरत है। और तभी कैट डैडी बोलते हैं कि जॉम्बी ब्रदर्स जो हैं वो मेरे डिसेंडेंट्स नहीं है करके, मतलब जॉम्बी वाले जो हैं वो मेरे बच्चे नहीं हैं, इसके जो बच्चे हैं वो सिर्फ वैम्पायर वाले बच्चे हैं। और तभी वुल्फ डैडी बोलते हैं कि मैंने लेकिन उनकी फैमिली के लिए कभी काम किया था और उन दो प्रिंस ने मुझे बचाया था, मतलब जॉम्बी और जॉम्बी के भाई ने हमारे वुल्फ डैडी को बचाया था। और वो बोलता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ तुम बताओ कर। तो हमारे वुल्फ डैडी बताते हैं कि मैं अपने टाइम पे एक जनरल था और मैं हंटिंग करने गया था करके रॉयल फैमिलीज़ के साथ, और जो मैं किसी से अनएक्सपेक्टेडली किसी के से मिल गया था जो कि एक रॉन्ग डेट थी करके, और उसी टाइम पे मैं वुल्फ में बदल गया था। जब मैं हंटिंग करने गया था तब मैं वुल्फ में बदल गया था, और हंटिंग के दौरान पे क्या हुआ था कि बहुत सारे तीर आके मुझे लगे थे और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था, मतलब फेज, तो वहाँ पर बहुत सारे फियर्स बीस्ट भी थे और वो लोग मुझे मार देते यदि वहाँ पर ये प्रिंस लोग नहीं आते, तो मैं वहाँ से भाग गया था। अब दिखाते कि हमारे वो डैडी कैसे भाग रहे थे जब उनके ज़माने में ऐसा हुआ था। तो और तभी वुल्फ देखता है कि जिसने उसे बचाया है वो कोई और नहीं, फर्स्ट प्रिंस है करके, यानी जॉम्बी का जॉम्बी भाई हैं, और उनका जो स्वॉर्डशिप है यानी तलवारबाजी जो वो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच उनकी तलवारबाजी थी। और मुझे क्योंकि सरवाइव करना था तो मैं उसकी तलवार को देख रहा था कि कैसे उन्होंने अपनी तलवार हवा में उठा रखी है, लेकिन उसके बाद वो झुक के कुछ ढूंढने लगे थे। और क्या देख रहे थे वो, एक्चुअली ये जो जॉम्बी जो प्रिंस थे ये अंधेरे में अपनी तलवार को अंदर डाल के जुगनू ढूंढ रहे थे जंगल में। तो जो वुल्फ डैडी है वो सोचते कि मैं उस टाइम पे बहुत लकी था,
और जो फर्स्ट प्रिंस है मतलब फर्स्ट जॉम्बी जो रहता है वो बहुत ही उसका हेल्थ केयर काफ़ी पुअर रहता है, वो पुअर कंडीशन में था और मुझे लगता है कि उसके ब्रेन के साथ भी कुछ प्रॉब्लम थी करके। और जो सेकंड प्रिंस है यानी हमारा दूसरा जॉम्बी और वो तीरबाजी में बहुत अच्छा था, तो वो अपना तीर निकालता है और सोचता है कि इस तीर का मैं क्या करूँ। तभी हमारे वुल्फ डैडी रास्ते में दिखाई देते हैं, लेकिन वो वुल्फ डैडी को तीर नहीं मार रहे होते हैं। वो सोचता है कि ये तीर उसको आके लगेगा, लेकिन ये तीर में वो गार्लिक्स की गड्डी को भर भर के चला रहे होते हैं, यानी वो हवा में तीर मार रहे हैं लेकिन उस तीर के अंदर लहसुन भरे पड़े हैं। तो वो बताते हैं कि उनका जो जॉम्बी है कैसे बोल रहा होता है कि किसी को भी नहीं पता कि ये फूड कितना यमी है करके, और ये फूड मैं सिर्फ किसी बीस्ट के साथ ही शेयर करूँगा। और तभी हमारे डैडी वो सोचते हैं ऐसा देख के कि भाई ये इसने सारे एरोज का इस्तेमाल गार्लिक्स को यानी लहसुनों को ग्रिल करने के लिए किया है और ये उससे स्पाइसी सॉस बना रहे हैं। तो हमारा जो जॉम्बी है वो पूछता है कि भाई तुम भी ये सॉस खाओगे क्या, स्पाइसी सॉस? तो वो डैडी मना कर देते हैं। अब क्या होता है, दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सुबह चली होती है और हमारी लेडी वैम्पायर का जो बेटा है वो उठता है और अपने मन में सोचता है अरे मैं ऐसे कैसे सो गया, मुझे तो अपने पूर्वजों को एंसेस्टर्स को देखना चाहिए, देखना था। अब जब वो उठता है तो क्या देखता है कि ये दोनों अभी भी सो रहे हैं, मतलब इसके दादाजी और वुल्फ डैड, किटी डैड और वुल्फ डैड दोनों अभी भी सो रहे हैं। और वो अपने मन में सोचता है चलो ठीक है कुछ बुरा नहीं हुआ। और तभी वो सोचता है कि मेरी जो कुछ चीज़ें हैं शरीर की वो मुझे मिल नहीं रही हैं। और थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि ये जो हमारा वुल्फ बॉय है वो उसके छाती में चिपक के सो रहा है और धीरे से वो उसकी गोद में ही चढ़ जाता है। और ऐसा होता है कि फिर उसके बाद हमारे वैम्पायर लेडी के लड़के को गुस्सा आता है, वो चाटा मार देता है और वुल्फ जो बोलता है कि मुझे सॉरी करके वो अपने मुंह पे हाथ रख के नीचे बैठ जाता है। अब उसको लगता है कि क्या हो गया करके, तो ये लेडी वैम्पायर का लड़का पूछता है कि क्या बात है, क्या तुम्हें कहीं पे कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या तुम सीख हो क्या? जहाँ तक मुझे पता है कि हमने तो कल रात को कुछ नहीं किया था, फिर क्या हुआ और क्या ये बहुत जल्दी हो रहा है? तो बोलता है कि सर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो दांत है वो टूट के गिर गया है। और जो वुल्फ है वो फटाफट जाता है और लेडी वुल्फ को बोलता है कि आंटी मेरा जो दांत है वो गिर गया है, अब मेरे परमानेंट टीथ आएंगे करके। तो लेडी वुल्फ बोलती है गुड गुड, ये तो अच्छी बात है, अब तुम जाओ अपना लगेज लेके आओ और मेरे घर से निकल जाओ करके। तो वुल्फ बोलता है कि भाई क्यों मैं घर से चला जाऊँ? तो लेडी वुल्फ बताती है कि जो वुल्फ पप्स होते हैं यानी वुल्फ के जो बच्चे होते हैं उन्हें जर्नी पे अलोन जाना पड़ता है और जब उनका पहला दांत गिरता है उसके बाद उन्हें अपनी जर्नी अलोन करनी पड़ती है, अकेले जाना पड़ता है। और जो अदर पपीज़ होते हैं यानी जो दूसरे बच्चे होते हैं वुल्फ के, वो उसके कंपीटर्स होते हैं। तो तुमको भी उन्हीं की तरह करना है, अकेले जाना है बाहर जाके, अपनी जर्नी को कायम करना है और उनके साथ कम्पीट करना है। और जब तुम ये जर्नी ख़त्म कर लोगे तो तुम्हारे पास बहुत ही पावर होगा, वेल्थ होगी और लव भी होगा। तो हमारा वुल्फ बॉय पूछता है कि आंटी क्या हम अपने ऑर्डर्स को स्विच नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते? तो लेडी वुल्फ जो है वो थोड़ा गुस्से में आती है और पूछती है क्या कहा तुमने, तुम्हारे पास अभी से पपी लव है, तुमने अपना जर्नी नहीं शुरू किया लेकिन तुम अभी तक पपी लव में पड़ गए हो। तो वुल्फ बताता है क्या कहते हैं वैम्पायर लेडी के लड़के का हाथ पकड़ के कि ये मेरा दोस्त है करके। एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों जॉम्बी और दोनों वैम्पायर कमरे में से छिप छिप के देख रहे होते हैं और हमारा वैम्पायर पूछता है कि
वेयरवुल्फ और जो वैम्पायर्स है वो क्या दुश्मन है, तभी दिखाते हैं कि कमरे के अंदर लेडी वुल्फ जो है वो वुल्फ को बोल रही होती है, क्या तुम अपनी फैमिली को धोखा देना चाहते हो क्या। तो हमारा वैम्पायर पूछता है कि सिस्टर वेयरवुल्फ के बीच में और वैम्पायर के बीच में क्या हुआ था। तो उसकी सिस्टर बताती है कि ये जो हुआ था वो हजारों साल पहले हुआ था। हमारे मेट्स डॉर्मेट्री में क्या होता है कि एक दिन बहुत अच्छा दिन था और हमने फ्रेश एयर के लिए खिड़की खोली होती है और वहाँ पर एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम हॉन्ग है करके। और तभी जो टेल्स है मतलब हमारी वैम्पायर लेडी है वो बोलती है कि आज बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, हमें खिड़की को बंद कर देना चाहिए। तो दूसरी औरत बोलती है कि नहीं, मुझे खिड़की खोलनी है, और वो खिड़की खोल देती है। और फिर दूसरी औरत बोलती है कि नहीं, ये खिड़की बंद होनी चाहिए। तो दो मेड्स के बीच में खिड़की बंद करने और खिड़की को खोलने के ऊपर से झगड़ा होने लगता है। और तभी एक मेड बोलती है कि मेड होना भी बहुत टायरिंग काम है करके, और मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। तो दोनों मेड के बीच में झगड़ा होने लगता है ओपन द विंडो और क्लोज़ द विंडो को लेके, खिड़की खोलो और खिड़की बंद को लेके। तब एक तीसरी मेड आती है और बोलती है हॉन्ग और सुई तुम क्या कर रहे हो। और फिर उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि यदि तुम लोग ओपन नहीं करोगे विंडो को तो क्राउन प्रिंस जो है उनके लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी बोलती है कि यदि तुम ओपन करोगे तो क्राउन प्रिंस को जो है कोल्ड लग जाएगा और वो फिर से सर्दी बुखार में आ जाएंगे। और तभी दूसरी वाली बोलती है कि जो फ्रेश एयर होता है वो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसका जो भाई है वो हमेशा बाहर घूमता रहता है वो भी नेकेड होके, पर उसको तो कभी कोई कोल्ड वोल्ड नहीं लगा करके। तो हमारे दोनों जॉम्बीज को दिखाते हैं कि हमारा जो मेन जॉम्बी है वो बोल रहा होता है अपने भाई से तो ये झगड़े की वजह तुम थी करके। और तभी हमारा जॉम्बी का वो बोलता है कि शट अप परवर्ट। अब दिखाते हैं कि हमारा लेडी वैम्पायर जो टेल्स हैं उनका बेटा सीढ़ी चढ़ रहा होता है और वो वुल्फ का हाथ पकड़ के उसको खींचता हुआ ऊपर ले जाता है। तभी वुल्फ पूछता है कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो उसको कमरे में ले जाता है और कमरा बंद कर देता और बोलता है कि हमारे एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज हमें माफ़ करना आपको डिस्टर्ब करने के लिए। दोनों एक कमरे में पहुंचते हैं और तभी हमारा वैम्पायर लेडी वैम्पायर का लड़का बोलता है कि जो वेयरवुल होते हैं वो बिल्कुल क्यूट नहीं होते हैं, लेकिन मैं फिर भी उसमें जो हूँ इंटरेस्टेड हूँ और मैं उसके साथ बाहर भी जाना चाहता हूँ। और लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने हमें प्यार को ऐसे खुली हवा में करने से मना किया है, मतलब वो ऐसे सबके सामने ऐसे खुल के दो अलग अलग लोग प्यार नहीं कर सकते क्योंकि एक वैम्पायर है एक वुल्फ है। तो वो अपने एंसेस्टर्स से मतलब प्रार्थना करते हैं कि हमको मदद करो करके, और वो अपने मन में सोचते हैं कि हमारे मॉम को और मिसिस जैरो को कन्विंस कराने में मदद करो। अब दोनों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होता है कि भाई क्या चल रहा है। तभी दिखाते हैं कि हमारी लेडी वुल्फ जो है वो टिक टॉक करके अपने पैरों से चल के हाई हील में आ रही होती है और देखती है कि ये दोनों बच्चे जो हैं ये दोनों दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं। और तभी वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम लोगों को ऐसे हमारे पूर्वजों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमारे पूर्वजों को तुम्हें रेस्ट लेने देना चाहिए। अब एक दोनों जॉम्बी, दोनों वैम्पायर और इन लोगों के जो बच्चे हैं यानी वेयरवुल्फ बच्चा और वैम्पायर लेडी का बच्चा, ये सब एक कमरे में खड़े होते हैं। और वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक जो उनके दादाजी हैं वो अभी ह्यूमन फॉर्म में आ गए, मतलब जो कैट रहती है वो उनके दादाजी रहते हैं, और जो वेयरवुल्फ के दादाजी है वो भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के खड़े होते हैं। फिर दूसरे सीन में दिखाते हैं कि जो वेयरवुल्फ के डैड हैं वो अपनी गोद में कैट दादाजी और डैड जो है उनको अपनी गोदी में बिठाए हुए होते हैं करके। अब ये लोग सब ये सीन देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि क्या चल रहा है। अब दिखाते हैं घर के बाहर। तभी हमारा वैम्पायर बॉय बोलता है
कि डैडी ये तो अनबियरेबल है करके, और दिखाते हैं कि जो जॉम्बी है वो बोलता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो तुम्हें इसे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि इन लोगों ने कैट डैड को वेयरवुल्फ डैड के गोद में बैठा हुआ देखते हैं, इसीलिए ये लोग जो है थोड़ा सा ऐसा बिहेव करने लगते हैं। और तभी वैम्पायर बोलते हैं तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि ये बड़ी बात नहीं है करके। अब जब हमारे डैडी जो है ह्यूमन हमेशा नहीं रह सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है टेरेबल हो चुकी है, तो इसको हमें जेंटली मतलब लेना चाहिए करके। अब दिखा रहे होते हैं कि वैम्पायर लेटा होता है और जॉम्बी उसको बैक मसाज दे रहा होता है, और साइड में इनके डैड भी एक कुशन पे लेटे होते हैं। अब वैम्पायर बोलते हैं कि भाई तुम इतनी ज़ोर से मसाज मत करो, और तभी हमारे कैट डैड जो है वो सोच रहे होते हैं कि ये जॉम्बी में तो कुछ भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लेकिन ये मेरे लड़के को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है। और तभी हमारा वैम्पायर बाथटब में बैठता है और नहा रहा होता है और बोलता है कि क्या डैडी आपको भी हमारे साथ पानी में खेलना है क्या, और वो अपने कैट डैड को बुलाता है। और तभी वो लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं जीत गया, और उनके जो डैड हैं कैट डैड जो है वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम बड़े हो चुके हो, अब ऐसे तुम चाइल्डिश हरकतें मत किया करो, और ऐसा बोल के वो कुछ सोचने लगता है। और वो भी बाथटब के अंदर देख रहा होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे जो कैट डैड है उनका फेवरेट चिप उनके हाथ में होता है, वो चिप्स खा रहे होते हैं। तभी वैम्पायर बोलता है डैड आप जाग गए, और मुझे भी कुछ कैनाइन फूड जो है कैट के चिप्स वगैरह है वो मुझे भी चाहिए। और तभी उनके डैड बोलते हैं कि ये तो ख़त्म हो गया, तो वो भी इतनी जल्दी ख़त्म हो गया करके, मतलब उनका जो फूड है उनका स्नैक ख़त्म हो जाता है। अब जॉम्बी देख रहा होता है और जॉम्बी बोलता है कि डैड ये सच्ची में अनबियरेबल है, और तभी वैम्पायर बोलता है हाँ सच में ऐसा है, और तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम ह्यूमन फॉर्म में बदल सकते हो। और तभी हमारा जॉम्बी बोलता है कि हम लोग ने फास्ट जो रखा था वो ख़त्म हो गया है क्योंकि अब तुम जाग गए हो, और हम लेकिन फिर भी सारा दिन ये फास्ट कर सकते थे। तो वैम्पायर बोलता है कि अरे ये पॉइंट नहीं है। तभी हमारे कैट डैड बोलते हैं कि सन तुम काम डाउन हो जाओ, ऐसा कैसा रहेगा कि यदि मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊँगा। तो वैम्पायर बोलता है कि क्या मैजिक सिखाओगे तुम। तभी कैट डैड बोलते हैं कि मैं एक स्पेल कास्ट करूँगा तुम्हारे ऊपर डायरेक्टली। तो वो बोलते हैं कि पहली स्पेल, और वो ऐसा करके रेस स्विच कहते हैं। और अब क्या होता है, हमारा जो ये है वैम्पायर है ये एक मरमेड में बदल जाता है, अब ये आधा मछली और आधा ह्यूमन है। और तभी ना हमारे जॉम्बी की नाक से खून निकल जाता है और अपने मुंह पे वो हाथ रख के बोलता है कि डैडी ये तो बहुत ही टेरेबल वाला मैजिक था। और फिर उसके बाद उनके डैडी बोलते हैं, मतलब कैट डैड बोलते हैं कि अब सेकंड वाला करेंगे, जेंडर स्विच करना है। तो वो फटाक से जो जॉम्बी का भाई होता है और जो लेडी होती है वैम्पायर लेडी, वो दोनों भी सोचने लगते हैं कि ये क्या हो गया। तभी दिखाते हैं कि जो जॉम्बी का भाई है वो एम्प्रेस बन गया है, और जो वैम्पायर लेडी रहती है वो एक आदमी में बदल गया है। और वो बोलता है कि एम्प्रेस आपकी जो हेयर पिन है वो ठीक से नहीं लगी है, तो मैं ठीक से लगा देता हूँ। और वो जो हमारा जॉम्बी का भाई है वो बोलता है कि स्वीट तुम जो हो ठीक से इसका केयर करना। और तभी डैड उनके कैट डैड जो है फिर तीसरा जादू करते हैं। अब ये तीसरा जादू जो है वो हमारी टेल्स वैम्पायर यानी वैम्पायर लेडी का जो लड़का है उस पर, और वुल्फ लेडी का जो लड़का है उसके ऊपर किया जाएगा। अब दिखाते हैं कि जॉम्बी वैम्पायर को यानी हमारा मेन हीरो हमारे सेकेंड हीरो को अपनी गोद में लेके खड़ा है, जो कि अब मछली बन चुका है, आधा मछली आधा ह्यूमन। और जो हमारा ये है क्या कहते हैं वैम्पायर लेडी का लड़का, उसने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई है, उसके हाथ में बुके है, और अब उसकी वेडिंग जो है वो वेयरवुल्फ के साथ हो रही होती है।
और तभी हमारा जो ये वैम्पायर लेडी का लड़का है वो बोलता है कि पूर्वज हमने तो कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। और तभी कैट डैड बोलते हैं कि मैंने तो लेकिन जो स्पेल था वो कास्ट कर दिया है, जादू कर दिया है। तो हमारा वैम्पायर लेडी का जो लड़का है वो पूछता है कि भाई तुम्हारी आखिरी शब्द क्या है। तो वुल्फ बोलता है सॉरी सर, मतलब वो समझ नहीं पा रहा कौन से आखिरी शब्द बोलना है। और तभी वो बोलता है कि मैं अपने दिल से कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हारा जो रेडियंस है वो हर चीज़ को डार्क कर देता है करके। अब जो वैम्पायर लेडी का लड़का होता है वो अपने बाल पकड़ता है और कुछ सोच में डूब जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ करके। अब यहाँ पर हमारा मेन लीड जॉम्बी और हमारा सेकंड मेल लीड जो अभी मछली बन गया है वैम्पायर, वो इन दोनों को देख रहा होता है वेडिंग ड्रेस में। अब दिखाते हैं कि हमारा जो वेयरवुल्फ बॉय है वो वैम्पायर लेडी के बेटे के पैर में शूज़ पहनाता है। अभी क्योंकि शादी हो गई है ना तो उसको जूते पहनाता है और वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें अपना मैनर दिखाता हूँ करके। और तभी हमारा वैम्पायर बॉय जो वैम्पायर लेडी का सन है वो बोलता है कि ये जो जूते बड़े अच्छे हैं और जो तुम्हारी फैमिली का हॉट स्प्रिंग है उसमें ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होंगे। और तभी वो बताता है कि वेयरवुल्फ के पास बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है और उसमें से एक गैसोलीन का भी इंडस्ट्री है और ओर्स का भी इंडस्ट्री है करके। तो अब इसकी वाइफ मतलब वैम्पायर लेडी का जो सन है वो बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई जेम्स हैं और क्या जिसको मैं अपने विंग्स में लगा सकूं, क्योंकि हमारा जो ये वैम्पायर है ये अक्सर बैट में बदल जाता है और इसको बहुत फ्लैशी चीज़ें पसंद है तो ये अपने विंग्स में ज्वेलरी लगाता है। तो वुल्फ बॉय जो है वो बोलता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारे लिए बाद में बहुत सारी ज्वेलरी प्रिपेयर करूँगा करके। अब यहाँ पर दिखाते हैं हमारी जॉम्बी का भाई जो इस वक्त औरत बन चुका है, एम्प्रेस बन चुका है, और जो हमारी वैम्पायर टेल है वो आदमी बन चुकी है। तो वो हमारा एम्प्रेस बोलती है मतलब जॉम्बी का भाई जो भी एम्प्रेस है वो बोलता है कि सुई अब हमें हमारे टॉम में रिटर्न करना चाहिए, अब हमें हमारी कवर में जाना चाहिए नहीं तो हमारी जो सिमेट्री है वो बंद हो जाएगी। तो दूसरा आदमी बोलता है कि ठीक है हम चलते हैं योर मैजेस्टी। और तभी वो पूछता है कि कार से जाएं कि किसी और चीज़ से जाएं। तो हमारा वैम्पायर लेडी जो अभी आदमी बनी हुई है वो बोलती है कि हम लोग उड़ के चले जाते हैं, हमें कोई टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। और तभी हमारा जॉम्बी और वैम्पायर जो कि हमारे मेन लीड और सेकंड मेन लीड है वो दिखाते हैं। तो हमारा जॉम्बी बोलता है कि चलो हमें भी घर जाना चाहिए, मेरे पास एक बहुत ही गोल्ड फिश का बहुत ही सुंदर सा बाउल है मेरे टॉम में। अब चूंकि ये वैम्पायर जो है फिश बन चुका है इसलिए हमारा जॉम्बी जो है उसको फिश बाउल में डालने के बारे में सोचता है। तो वैम्पायर बोलता है तुम रुक जाओ और मैं ये ऐसे चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और ऐसा करके उसका गाल सुझा देता है। और जो हमारा वैम्पायर है वो ज़ोर से दहाड़ के बोलता है डैडी ये स्पेल को रिमूव करो मेरे ऊपर से, ये जादू को हटाओ मेरे पे से। लेकिन डैडी कहाँ सुनने वाले हैं, डैडी तो अब ह्यूमन फॉर्म में आ गए। और वो बोलते हैं तुमको तो मैजिक लर्न करना था ना, तो यही तुम्हारा चांस है और अब तुम ऐसे ही रहो। और तभी अपने मन में सोचते हैं कि मेरा बेटा जो है कितना स्टूपिड है करके। अब ये सब अपने डैडी को देखने लगते हैं और फिर से उनके डैडी एक जादू करते हैं और ये चारों के चारों सोचते हैं कि अब कौन सा ख़तरनाक जादू करने जा रहे हैं। अब इसी बीच में देखते हैं कि जो हमारा वैम्पायर सेकंड मेन लीड है उसकी जो पूंछ है वो खड़ी हो जाती है। और उसके बाद जो उनके डैड हैं वो बोलते हैं कि अभी अभी तो मैं अपनी इलनेस से रिकवर हुआ हूँ और मेरा जो पावर है वो काम नहीं कर रहा है, तो तुम हमारी फैमिली हो तो तुम हमारे इस टाइप की चीज़ों से यूज टू हो जाओ और डैडी को थोड़े दिन के लिए आराम करने दो करके। अब दिखाते हैं दूसरी तरफ कि हमारा जो वैम्पायर लेडी का सन होता है वो तो वेडिंग ड्रेस में है
और वो बोलता है कि ये लकीली जो क्लोथ्स है ये मैं चेंज कर सकता हूँ, और ऐसा सोच कर वो अपने हाथ के दस्ताने वगैरह उतारने लगता है। और तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि ये दस्ताने वगैरह कुछ उतर नहीं रहे हैं। और तभी हमारे जो डैड है, कैट डैड, वो बोलते भैया जो तुमने विश मांगी थी उसको तो मैंने फुलफ़िल कर दिया है, उसमें कोई कंडीशन वंडीशन नहीं थी, और अपना आराम से वो अपना किटी चिप्स खा रहे होते हैं। अब वेवुल्फ आता है और वेवुल्फ अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि हमारा जो बेडरूम है वो ऊपर है, और मैं जो हूँ मैं कभी भी इस स्पेल को एंड कर सकता हूँ। तो जो हमारा वैम्पायर लेडी का लड़का जो अभी वेडिंग ड्रेस में है वो बोलता है अपने सपने में ये सब सोचो करके, तुम ये सब सपनों भरी बातें हैं। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि एक सीक्रेट डेट हो रही होती है जिसमें हमारी लेडी वुल्फ जो है वो बोलती है कि वेयरवुल्फ एंड जो वैम्पायर हैं वो हज़ारों साल से दुश्मन रहे हैं। और जो डैड है, हम आपको कैसे एक्सप्लेन करें हमारी फैमिली के बारे में। और तभी उनके डैड बोलते हैं कि कैसा रहेगा कि तुम लोग फैमिली के पचड़ों में पड़ो ही मत करके, और यदि वेयरवुल्फ जो है वैम्पायर्स के साथ सीक्रेटली बाहर हैंग आउट भी करे तो क्या पॉसिबल नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा करके। और फिर वो ये भी बोलते हैं कि ऑन द सरफेस जो वेयरवुल्फ होते हैं और वैम्पायर होते हैं वो हमेशा फोज ही रहेंगे, मतलब दुश्मन ही रहेंगे, और हम कुछ थोड़ा बहुत एक्सेप्शन जो है थोड़ा बहुत हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं सीक्रेटली करके। अब जो लेडी वुल्फ होती है वो ये दोनों डैड्स के विचारों से बड़ी परेशान हो जाती है और हाँ कह देती है, बोलती है ठीक है ऑल राइट। और फिर दिखाते हैं कि वेयरवुल्फ्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं पटाखे वगैरह सब बाहर जला रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, और जो वैम्पायर्स होते हैं वो बैट्स बन सकते हैं और बैट्स बन के फ्लाई भी हो सकते हैं। और लेडी वुल्फ सोच रही होती है कि वैम्पायर्स यहाँ पर है और क्या उनके पास एक छोटा सा लैंप भी है क्या। अब क्या होता है, जो हमारा वो रहता है वैम्पायर लेडी का बेटा, वो तो हमेशा बैट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और उसको तो ग्लिटर वाली चीज़ें अपने पंखों पर लगाना भी बहुत पसंद है। तो दिखाते हैं कि वो हवा में उड़ रहा है और उसके सब डायमंड्स वगैरह चमक रहे हैं, और वो बोलता है कि ये तो कितने खूबसूरत जेम्स है करके। और तभी दिखाते हैं दूसरी तरफ कि एक हड्डी लटक रही होती है, और तभी वो पूछते हैं कि तुम वापस कैसे भाई पपी बन गए हो, और वो जो पपी है वो वुफ वुफ करता है, और दिखाते हैं कि रात की जो मून लाइट है वो उनके ऊपर पड़ रही होती है, और जो उन्होंने दिए वगैरह जलाए होते हैं, लाइटें जलाई होती है, ये सब उसके कारण होता है। और तभी वेयरवुल्फ लेडी सोचती है कि वैम्पायर्स के जो पूर्वज थे वो इधर आ रहे हैं। अब दिखाते हैं कि वैम्पायर के दो पूर्वज आ रहे हैं, उनके एक के सिर के ऊपर हमारे ये जो किटी डैड हैं वो बैठे हुए हैं। तो वो सोचती है कि ठीक है हमारे जो डिसेंडेंट्स हैं उनके लिए हम ये हाई प्रोफाइल मेंटेन करेंगे करके। तो कैट डैड नीचे उतरते हैं और चलने लगते हैं और बोलते हैं कि अगली बार विंडो को यूज़ करना। और वो आते हैं और बोलते हैं गुड इवनिंग वुल्फ पप्स, वुल्फ के बच्चों को पप्स को वो लोग गुड इवनिंग कहते हैं, और बोलते हैं कि मैं जो हूँ यहाँ आ गया हूँ सोने के लिए, तुम्हारे पापा इधर आ गए हैं सोने के लिए। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि वैम्पायर लेडी वापस अपने फॉर्म में आ जाती है और वैम्पायर लड़का जो हमारा सेकंड मेन लीड है वो भी अपने फॉर्म में आ जाता है, और वो पूछती है कि यहाँ कोई और भी वैम्पायर्स है क्या जो वेयरवुल्फ को सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। तो वेयरवुल्फ लेडी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर और भी कोई दूसरे हैं, और ऐसा देख के वो लोग सब हवा में ऊपर आसमान में देखने लगते हैं जहाँ पर दो बैट्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये बैट्स एक्चुअली में वैम्पायर हैं, लेकिन ये अभी अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, और कोई बोलता है कि मैं तुम्हें दोबारा इस होटल में नहीं देखना चाहता हूँ। और यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि अब मैं फाइनली तुमको ओपनली डेट कर सकता हूँ, हमें क्या कहते हैं होटल में काम करके प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी हमारी वेयरवुल्फ जो है लेडी वेयरवुल्फ बोलती है कि सुई ऐसा करते हैं कि हम लोग अब एक दूसरे के रिलेशनशिप में पीस बना लेते हैं, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे, अब हम शांति से रहेंगे।
अब दिखाते हैं एक जंगल का सीन जहाँ पर एक मटके जैसी चीज़ पेड़ के ऊपर रखी हुई है और वो लोग बोलते हैं मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज़ द फेयरेस्ट मैन ऑफ देम ऑल। ये एक उनकी कोई एक रायम सी बना ली होती है उन्होंने और वो ये रायम बोलते हैं। और तभी वो दूसरा आदमी मतलब जो है वो उनके हाथ के ऊपर नेल पेंट लगा रहा होता है और बोलता है ये कितने मीनिंगलेस क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस मेरे लिए क्यों हैं। अब ये अपने हाथों पे नेल पॉलिश लगा रहा होता है और देख रहा होता है, तभी देखता है कि जो वैम्पायर है हमारा सेकंड मेन लीड वो कपड़े धो रहा है और ये सोचता है कि ये एक लॉन्ड्री मैन है करके। अब वैम्पायर जो है थक जाता है और अपने बाल बाल पीछे करने लगता है, लेकिन ये जो आदमी है वो देखता है उसे और सोचता है ये कितना प्रीटी है करके और इससे ज़्यादा प्रीटी कोई भी नहीं हो सकता है और सोचता है मैं इसे अपना बना के ही रहूँगा। अब वैम्पायर और जॉम्बी अपने कपड़े सुखा रहे होते हैं तो जॉम्बी पूछता है कि तुम्हारे डैडी जो है वो कब आएंगे वेयरवुल्फ के मैनर से, मतलब उनके घर से कब आएंगे। तो वैम्पायर बोलता है क्या पता कब आएंगे और या फिर तब आए जब उनको अपने कैट के फर साफ़ करने, मतलब जब उनको अपने बाल साफ करने हो तब आए शायद वो। तभी ये दूसरा आदमी दिखाते हैं और बोलता है कि हे तुम जो सबसे ज़्यादा सुंदर आदमी हो पूरे वर्ल्ड में। तो वैम्पायर पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि थैंक यू तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो। और तभी ये लड़का बोलता है कि तुम्हें मेरी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा था, तुमने अपनी आँखें देखी हैं, तुम्हारी आँखें जो हैं इतनी बड़ी हैं और शाइनिंग कर रही है, ये एकदम आई कैची है करके ऐसा वैम्पायर बोलता है। और तभी ये लड़का बोलता है कि तुम्हारी आँखें भी बहुत प्रीटी है। और तभी वैम्पायर बोलता है कि तुम बहुत ही एडोरेबल हो करके बहुत सुंदर हो। अब जॉम्बी इन दोनों के इंट्रैक्शन को देख रहा होता है और वहाँ पर वो बकेट पकड़ के बैठ ही जाता है। ये दोनों इतनी बात करते हैं कि सवेरे का टाइम शाम में बदल जाता है। और तभी ये लड़का सोचता है कि ये चैट तो बहुत अच्छी थी लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। और वो होता है कि तुम्हारी जो हनी जैसी टंग है उससे मैं अभी धोखा खा जाता। और वो बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हारी लाइफ लेने के लिए आया हूँ तो तुम मुझे बताओ तुम्हारा आखिरी लास्ट वर्ड क्या है करके। अब ये लड़का उनसे तो पूछता है कि भैया मैं तो यहाँ जान लेने आया था, तुम्हारा आखिरी शब्द क्या है ये मुझे बता दो। तो जॉम्बी वैम्पायर को अपने पीछे कर देता और बोलता है भाई तुम मेरी जान ले लो। तो ये लड़का बोलता है मेरे रास्ते से हटो, मैं सिर्फ जो आदमी सुंदर दिखते हैं उन्हीं को मारता हूँ। तो हमारा जॉम्बी अपना मेकअप किट निकालता है और फटाफट मेकअप करने लगता है और एकदम गोरी गोरी स्किन लेके लंबे बालों को खोल के अच्छे से तैयार होके खड़ा हो जाता है और बोलता है अब कैसा लग रहा है। तो ये जो लड़का आता है जान लेने के लिए वो बोलता है कि तुम तो इससे भी ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। तो हमारा वैम्पायर जो होता है वो हमारे जॉम्बी को धक्का दे देता है और बोलता है कि तुम अपनी आँखें खोलो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा करके। तो ये लड़का कन्फ्यूज़ हो जाता है कि तुम ज़्यादा प्रिटी हो तो अब तुम्हें मैं मारूंगा। और तो जॉम्बी के और वैम्पायर के बीच में फाइट होता है कि मैं ज़्यादा सुंदर दिखता हूँ। तो वैम्पायर बोलता है नहीं मैं ज़्यादा सुंदर दिखता हूँ तो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। तो ये लड़का बोलता है कि तुम अपना फ़ाइट बंद करो हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन कहाँ कोई फ़ाइट बंद हो रहा था, ये दोनों एक दूसरे से फ़ाइट करने लगते हैं और फिर फ़ाइट करते करते थक जाते हैं और वो बोलता है कि मैं ज़्यादा सुंदर हूँ करके। और तभी जॉम्बी जो है वो बोलता है हाँ सही है तुम ही ज़्यादा सुंदर हो। और तभी वैम्पायर बोलता है तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिला देते हो पर मेरा गुस्सा हमेशा गायब हो जाता है तुम्हारा फेस देख के। तो जॉम्बी बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हम हमेशा साथ में रहे हैं और हम इतने लंबे समय से साथ में रहे हैं कि हमारा जो ब्यूटी है वो रीशेप हो गया है। और दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि तुम बहुत प्रिटी हो, दूसरा बोलता है नहीं तुम बहुत प्रिटी हो। अब ये सब देख के लड़का और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है क्योंकि ये तो मारने आया होता है ना उनको। अब वो बोलता है कि मैं किसी को भी खुश नहीं देखना सकता हूँ तो मुझे इन दोनों को सेपरेट करने की ज़रूरत है। और वो ये लड़का उनके टॉम में जाता है और देखता है कि वो लोग यहाँ सोते हैं करके। वो टॉम के अंदर देखता है और सोचता है कि ये लोग कितने डर्टी हैं और शेमलेस हैं और फिर वो पीछे पलट के जाने लगता है।
और तभी वो एक पाउडर निकालता है और वो बोलता है कि मैं ये पाउडर तुम्हें से एक को दे दूंगा तो तुम दोनों में से कोई एक एक दूसरे को भूल जाएगा। अब दिखाते हैं कि जॉम्बी और वैम्पायर दोनों हग करके सो रहे होते हैं। अब जब वैम्पायर उठता है तो देखता है कि हमारे कपड़े कहाँ हैं, और वो बोलता है कि वैम्पायर जॉम्बी को बोलता है कि जाओ जाके जितने भी कपड़े इधर उधर फैले उनको ढूंढो। तो जॉम्बी के ऊपर क्योंकि ये स्पेल हो गया होता है तो वो बोलता है तुम अपने ज़बान देखो कैसे बात कर रहे हो। और ये जो लड़का है ये बड़ा खुश हो रहा होता है कि मेरा जो पाउडर था उसने इसकी मेमोरी को ही नहीं इरेज कर दिया है बल्कि इसके टेम्पर को भी चेंज कर दिया है। और सोचता है कि एक जेंटलमैन कैसे ऐसे बन सकता है करके। और तभी जॉम्बी बोलता है कि ये जो सब है ये सर्वेंट्स का जॉब होता है, प्रिंस का जॉब नहीं होता है, और यदि तुम नहीं करोगे तो ये कौन करेगा। तभी वैम्पायर बोलता है कि तुम इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो, और हमारे कपड़े इधर उधर नहीं पड़े होने चाहिए, और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि मैं हूँ जो तुम्हारे कपड़े रोज़ धोता हूँ। और तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी वॉश कर दूँ पानी में डुबो के। तो जॉम्बी बोलता है कि ठीक है सॉरी मैं जाके करता हूँ। और हमारा वैम्पायर बोलता है हरी अप स्पॉइल मैन। और तभी ये लड़का सोचता है कि कितनी जल्दी हमारे जॉम्बी ने अपना वो जो इतना टफ बन रहा था वो छोड़ दिया। और तभी जॉम्बी जाते हुए सोचता है कि ये कौन वियर्डो है, कौन अजीब आदमी है जो मेरे यहाँ पर मेरे म्यूज़ियम में रहता है, और उसने तो मेरी बेइज्जती भी करी। तो लड़का पीछे से ये सुनता है और सोचता है कि हाँ ठीक है तुम सही सोच रहे हो, इस वैम्पायर को तुम्हें निकाल देना चाहिए। जॉम्बी बोलता है ये गुस्सा ज़रूर हो है लेकिन इसका जो फेस है बहुत ही प्रिटी है और इसके साथ मेरी कोई स्टेबल स्पेशल फीलिंग है। और तभी अपने मन में सोचता है कि ये चार्मिंग भी है और इसे मुझे अपना बना लेना चाहिए करके।